नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस में। मैं हूं आलोक शुक्ला और आपके लिए लेके आया हूं आज का यानी का 18 मार्च का करंट अफेयर्स। इसमें हम आज देखेंगे क्या हुई आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी हैं, जो परीक्षा उपयोगी हैं, और उस पे बेस्ड हम क्विज देखेंगे ताकि हम सारे उन प्रश्नों को यहाँ पे कर लें जो आपकी परीक्षा में आने जा रहे हैं या पूछे जाने हैं या जो सबसे ज़्यादा संभावित हैं। तो देर न करते हुए हम आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पुश कर लें ताकि जब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की जाएं तो आपको उसका अपडेट तुरंत मिले। बहुत ढेर सारी क्लासें जो जैसे कि एमसीक्यू बेस्ड, फास्ट ट्रैक बेस्ड रमन सर लाते हैं, आशीष सर लाते हैं, मैं लेके आता हूं, तो ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स यानी कि 18 मार्च के करंट अफेयर्स की। तो हम आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे जो कह रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती क्या है, इसके बारे में क्यों है ये खबर में, क्यों ये परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इस खबर में क्या है। अभी कल ही भारतीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांग्लादेश के बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती समारोह में भाग लिया है। जो शेख मुजीबुर रहमान हैं इन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश से ये बिलोंग करते थे और बहुत ही प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध क्यों थे, क्योंकि ये बांग्लादेश के संस्थापक नेता में से जाना जाते थे और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगर हम बात करें बांग्लादेश के स्थापना की तो इनका बहुत बड़ा ही रोल रहा है। बांग्लादेश में ये राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी यहाँ पे राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, ठीक ऐसे ही शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें बंग बंधु भी कहा जाता है। दूसरी पॉइंट इसमें क्या कह रहा है हम एक बार देखते हैं। दूसरी पॉइंट कह रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को राजनीतिक स्वायत्तता दिलाने और बाद में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन तथा वर्ष 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही ऐसे थे शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई थी। ये बात तब से उठी थी जब 1948 में जिन्ना ने वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि पहले आप जानते हैं पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, तो उन्होंने बोल दिया था कि उर्दू जो होगी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और इसी को लेके बांग्लादेश के लोग, क्योंकि वहाँ पे बंगाली भाषा का ज़्यादा प्रचलन था इसलिए उनको बहुत ही दिक्कतें थी, तो उसको लेके सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान ही आगे आए थे और वो बांग्लादेश के स्वतंत्रता की बात वहाँ पे किए थे, तभी से वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी कहे जाने लगे और आगे चल के वो प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अभी हाल ही में बांग्लादेश से कुछ और खबर थी, वो क्या थी कि यहाँ की जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा है अब जॉय बंगला हो गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे जय बोलते हैं वहाँ पे जॉय, रसगुल्ला बोलते नहीं रसगुल्ला को रसगुल्ला, बस वैसे ही जय बंगला मतलब जॉय बंगला है वहाँ का राष्ट्रीय नारा हो गया है। यह नारा वर्ष 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के दौरान प्रमुख नारा था, उस समय बहुत ज़्यादा ही प्रचलित था और कोई नहीं इस नारा का सबसे ज़्यादा यूज करने वाले शेख मुजीबुर रहमान जी ही थे। चलिए हम आते हैं इसी के साथ दूसरी खबर पे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उन्नत भारत अभियान। बहुत सारे लोग अभी उन्नत भारत अभियान के बारे में जानते ही नहीं होंगे, तो मैं बता दूं UBA यानी कि उन्नत भारत अभियान ये 2.0 जो है कुछ और नहीं 1.0 का ही अपग्रेडेड रूप है ऐसा मान के चलते हैं। उन्नत भारत अभियान है क्या, ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने लोकसभा में उन्नत भारत अभियान की प्रगति के बारे में सूचना दी है और इसी कारण ये खबर में है। अगर हम UBA की बात करें उन्नत भारत अभियान की, तो ये वर्ष 2014 में ही आया था और ये अपग्रेड होकर 2.0 2018 में हुआ था। ये है क्या उन्नत भारत अभियान, IIT दिल्ली कि काफ़ी मेहनत के बाद इसने एक प्रस्ताव रखा था कि जो गांव से रिलेटेड क्षेत्र हैं, रूरल एरियाज हैं, उनके विकास के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके जो प्रौद्योगिकी जो इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उसका टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके गांव का रूरल क्षेत्र जो होते हैं
उनकी कैसे मदद की जा सके, कैसे उनका विकास किया जा सके, तो इसी पे उन्नत भारत अभियान पूरा बेस है। अगर हम इसे स्लोगन की बात करें, तकनीक संस्थाओं का ज्ञान, स्वैच्छिक संगठनों का अनुभव, सरकार के संसाधन, सभी को मिलाकर गाँव के विकास के लिए। तो जब भी उन्नत भारत अभियान की बात आती है तो एक बार दिमाग में रखिए कि ये गांव के विकास की बात कर रहा है, और क्योंकि इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडेड हैं इसलिए ये बोला जाता है कि क्या है, तकनीकी संस्थाओं का ज्ञान। ठीक है, आईआईटी दिल्ली द्वारा ये अस्तित्व में लाया गया था सबसे पहले 2014 में, तब ये 1.0 था, UBA 1.0 था। अब 2.0 क्यों हो गया है, इसमें क्या नया आ गया है, क्योंकि 2.0 में पहले क्या था, 1.0 में केवल IITs होते थे या टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होते थे। अभी 2.0 में ये बहुत बोली गई है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या और भी जो स्कूल्स हैं उनकी भी मदद ली जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनके कुछ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ये जाते हैं गांव में, लोगों से मिलते हैं, वहां के पंचायत से मिलते हैं और उनके समस्याओं को देखते हैं, और जो भी पॉसिबल वे हो सकता है उनकी मदद करने का, उनकी आवश्यकताओं के पूर्ति लगाने का, वो सारी चीज़ UBA के उससे करते हैं। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच विकास एजेंडे से संबंधित आपसी तालमेल तथा संस्थागत क्षमताओं का विकास करना और राष्ट्र की आवश्यकताओं विशेष रूप से ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट खबर पे आते हैं, जो है मोटर वाहन अधिनियम के तहत। मोटर वाहन अधिनियम अभी आप 2019 में ही, जुलाई 2019 में ही इसका संशोधन हुआ था, और इससे प्रभाव क्या पड़ा है कि 10% की कमी आई है दुर्घटनाओं में। ये बहुत बड़ी बात है, और अभी अगले 5 वर्षों में 50% का टारगेट रखा गया है कि दुर्घटना कम कर दिया जाएगा। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो दुर्घटना में 10% की कमी आई है, और अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13% की कमी आई है। चलिए अगर हम कुछ बात करें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, परीक्षा प्लस फैक्ट, यहाँ पे हम नाम इसको दे रहे हैं परीक्षा फैक्ट प्लस, ताकि क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड ज़रूरी क्या है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि TCS पैटर्न में बार बार बोलता हूँ उसकी आदत सी बन गई है, वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से करंट की हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाके क्वेश्चन पूछता है। यही UP SSC में भी है, क्योंकि वो TCS ही करा रहा है, और अलग नहीं आपके UPSC जैसे आयोग में भी ऐसे प्रश्न बनने लगे हैं। तो करंट एकदम चेंज हो गया है, तो हमें पढ़ने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया है परीक्षा फैक्ट प्लस का। तो इसमें क्या है, भारत में हर साल 5 लाख से ज़्यादा दुर्घटनाएँ होती हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं, तो assertion रीजन टाइप में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसे हमें ध्यान में देना होगा। वर्तमान में जो मोटर वाहन अधिनियम है वो समवर्ती सूची में आता है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है कि यहां पे राज्य भी कर सकते हैं और केंद्र भी अपने हिसाब से कुछ नियम लागू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं। नेक्स्ट खबर क्या है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। आप सभी जानते हो कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो राज्यसभा में किसी को मनोनीत कर सकता है। ऐसे कितने लोग हैं भाई पॉलिटी में, आप लोग जानते होंगे, अनुच्छेद 80 के खंड 3 के तहत ये होता है। ऐसे ही लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में कर सकता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो होते हैं दो उन्हें कर सकता है, ऐसे ही इसमें राज्यसभा में जो विज्ञान के क्षेत्र से होते हैं या कला के क्षेत्र से होते हैं, साहित्य या समाज सेवा इत्यादि में विशेष ज्ञान रखते हैं, ऐसे 12 लगभग लोगों को ये राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। तो अभी किसे मनोनीत किए हैं, ये रंजन गोगोई को किए हैं। ये पहले कौन थे, पूर्व न्यायाधीश थे। चलिए इससे हम जुड़े परीक्षा फैक्ट को देख लेते हैं, परीक्षा फैक्ट प्लस को। तो जस्टिस रंजन गोगोई के बारे में एक बार हम देखें तो इनका जो जन्म था वो 18 नवंबर 1954 में असम में हुआ था। असम के निवासी थे और ये वहाँ के मुख्यमंत्री केशव चंद्र गोगोई के पुत्र थे। गुवाहाटी में ही उच्च न्यायालय से उन्होंने आरंभ किया था, और फरवरी 2001 में इनका स्थानांतरण कहाँ हो गया था, उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे 2001 में, और 2010 में इनका स्थानांतरण पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में हुआ था। बाद में चल के 2011 में उन्हें मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था, और इसी के अगले वर्ष अप्रैल 2012 में उनकी नियुक्ति देश के सर्वोच्च न्यायालय में हुई थी। अभी जल्दी ही ये रिटायर हुए हैं, है ना।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईपीएफओ बोर्ड ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए दरों में 0.15% की कटौती की है। अभी तक जो पीएफ फंड होते थे, प्रोविडेंट फंड होते थे, ईपीएफ जिसे बोला जाता था, वो 8.65 था, अब ये घट के 8.5 हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है उनके लिए जो कहीं जॉब करते थे। ईपीएफओ अपने सदस्यों के उनकी भविष्य निधि पीएफ पर 8.65% के बजाय अब 8.5% का ही ब्याज देगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए यह ब्याज दरों में 0.5% की कटौती की गई है। अब नई ब्याज दर जो है ये पिछले 7 वर्षों में जो सबसे कम है। इससे पहले अगर हम देखें तो 2012-13 में 8.5% हुई थी, तो 2012-2020 में तो देखा जाए तो 7 साल बाद है ना इतना कम हुई है। अगर हम इस रिलेटेड फैक्ट देखें तो यहाँ से क्या पूछ सकता है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि कितनी कमी हुई है या कहाँ आके गिरी है, या ये पूछ सकता है ईपीएफओ के फाउंडेशन के बारे में, कब ये फाउंड हुआ, किसके द्वारा हुआ, इन सब के बारे में वो जानकारी आपसे पूछ सकता है। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। सन 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रावधान अधिनियम 1952 है ना के अंतर्गत इस संगठन की स्थापना हुई थी। किसके अंतर्गत हुई थी, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत हुई थी। संगठन के प्रबंधकों में केंद्रीय न्यासी मंडल, भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, नियोक्ता और कर्मचारी शामिल होते हैं। और अगर हम इसकी अध्यक्षता की बात करें तो जो श्रम मंत्री होते हैं, केंद्रीय श्रम मंत्री होते हैं, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 भारतीय संसद के द्वारा पारित हुआ 4 मार्च 1952 से प्रभाव में आया था। और अगर हम अभी वर्तमान में देखें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आते हैं तो या कौन कौन सी योजनाएं आती हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, तो अभी कर्मचारी भविष्य निधि योजना है, कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना है और कर्मचारी पेंशन योजना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्लास के बाद इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद में आए लेकिन आप बाद में आके भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारी बहुत ही टीम मेहनत करती है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेके आती है। तो अगर आप इतना केवल कर लेते हैं, 20-22 मिनट का वीडियो होता है वो रोज देख लेते हैं, एक बार पीडीएफ पढ़ लेते हैं, इस पे बेस्ट 2 मिनट की क्विज कर लेते हैं, तो मान के चले कि करंट अफेयर्स में आपका 90% क्वेश्चन हमेशा कहीं नहीं गया है। और अगर इसे 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ लिया तो आप 100% करके आएंगे। सोचिए, 1 बार में 90%, 2 बार पढ़ ले तो 100% करके आएंगे। क्या होता है, करंट में जो बच्चे होते हैं ना वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा गलत यहीं पे होता है। कारण क्या होता है कि वो उसे ढंग से रिवाइज नहीं करते हैं। करंट को आसानी से मत लीजिए किसी भी एग्जाम में। 25% से लेके 30% जो वेटेज है वो करंट का ही है। और अगर वो TCS एग्जाम करा रही है तो स्टैटिक डेटा मिला के या उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ज्योग्राफी से मिला के इस 30% को 50% तक भी लेके चली जाती है। अभी CGL जैसे परीक्षाओं में देखा गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन करंट के थे, कन्वेंशनल हिस्ट्री के क्वेश्चन गायब कर दिया, पॉलिटी के क्वेश्चन गायब कर दिया। तो करंट का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और इसलिए हमें इसके पढ़ने का तरीका भी बदलना चाहिए। तो परीक्षा प्लस इसीलिए आपके साथ हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करती है। इसके साथ जुड़े रहिए और अपने करंट तैयार करते रहिए। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं। नेक्स्ट खबर क्या कह रहा है कि फिलीपींस बना सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश। फिलीपींस सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मतलब कोई भी यहाँ पे अब वित्तीय बाजार के वही नहीं रहेंगे। जैसे फिलीपींस स्टॉक एक्सचेंज, फिलीपींस बैंकर्स एसोसिएशन के बयानों से वित्तीय बंद की पुष्टि की गई है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन क्या बना देते हैं, वो फिलीपींस की राजधानी पूछ लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि मनीला होता है, मनीला है यहां की राजधानी। और अगर मुद्रा की बात करें तो फिलिपिनो पेशो इसकी मुद्रा है। चलिए हम इसके साथ ही नेक्स्ट खबर पे आते हैं। नेक्स्ट खबर ये है कि जम्मू कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो हृदेश कुमार हुए हैं। हृदेश कुमार, भारत के चुनाव आयोग ESI ने हृदेश कुमार को जम्मू कश्मीर क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। वह अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से शैलेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। इससे पहले शैलेंद्र कुमार थे, अब कौन आ गए हैं, हृदेश कुमार आ गए हैं। तो ये मत भूलिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के ECI के जो CEO हैं, है ना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो कौन है, हृदेश कुमार हैं। अगर हम परीक्षा फैक्ट में जाएं
तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। बहुत बार पूछा गया है इस प्रश्न को, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस समय ज्वलित मुद्दा है आपका परीक्षाओं के लिए। जम्मू कश्मीर से सारी चीज़ें आप दिमाग में रखा करिए, ये परीक्षा में किसी न किसी तरीके से पूछता ही है। नेक्स्ट खबर पे आते हैं। फ्लिपकार्ट ने जीवन बीमा बेचने के लिए एगॉन के साथ किया करार। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है जो बीमा कराती है। फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए व्यापक बीमा समाधान बेचने के लिए एगॉन के साथ इसने क्या किया है, करार किया है, हस्ताक्षर किया है। यह करार उन ग्राहकों को लक्षित करेगा जो 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि के साथ त्वरित डिजिटल नीतियों इंस्टेंट डिजिटल पॉलिसीज की मांग कर रहे थे। अगर हम परीक्षा फैक्ट प्लस की बात करें कि परीक्षा के लिए क्या उपयोगी हो सकता है, तो एक तो ये उपयोगी है ही है कि किसके साथ करार किया है, तो एगॉन आप इसे ध्यान ही दे लिए। दूसरी बात यह है कि फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक हैं वो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। अभी आपके यूपी ट्रिपल एससी लोअर प्री में ही इसे संस्थापक से क्वेश्चन पूछा था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता फिर आप परेशान हो जाते हो कि पता नहीं स्टैटिक का बहुत ज्यादा पूछ लिया। वो ऐसे स्टैटिक नहीं पूछता, वो करंट से रिलेटेड पूछता है। इसलिए सब कुछ आपके लिए यहां पर लेके आया गया है। सीईओ की बात करें फ्लिपकार्ट के, तो कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति जी हैं सीईओ फ्लिपकार्ट के। अभी नेक्स्ट खबर पे आए तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ किए कोसा पर हस्ताक्षर। कोसा क्या है, क्रूड ऑयल सेल्स एग्रीमेंट, क्रूड ऑयल बिक्री समझौता को कोसा कहते हैं। यहां पे एब्रिविएशन यूज किया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय तेल खोजकर्ता ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ कोसा यानी कि क्रूड ऑयल बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कच्चे तेल के बिक्री और खरीद के लिए दोनों संस्थाओं द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑयल इंडिया ने हाल ही में किसके साथ हस्ताक्षर किया है कोसा पर, तो किसके साथ, नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ उसने हस्ताक्षर किया है। अभी हम देखें कि आज 18 मार्च के लिए, अगर भारतीय इतिहास में 18 मार्च का हम देखें तो क्यों जरूरी है, तो 18 मार्च 1922 के दिन ही गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। और हालांकि वो 2 साल बाद छूट गए थे, लेकिन ये यही दिन था जब 18 मार्च 1922 को गांधी जी को जेल भेजा गया था 6 साल के लिए। 18 मार्च को ही रॉलर एक्ट भी पास हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम कुछ विविध खबर देख लेते हैं, क्योंकि हम डिटेल के चक्कर में कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, तो इसी के लिए हमने यहाँ पे कुछ नया जोड़ा है विविध में। वन लाइनर में हम आपकी करंट 1 मिनट में मुश्किल से उन सारी खबर को देख लेंगे जो कहीं ना कहीं परीक्षा में कभी पूछ लेते हैं, ताकि आपका 100% करंट कवर हो। तो एक बार बहुत जल्दी से इसे करते हैं। आरफा शेरवानी और रोहिणी मोहन संयुक्त रूप से उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है इनको। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के जीवन पे एक किताब लिखी गई है। किताब का नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। इसके लेखक कौन है, सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर जी हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इम्तियाज खान का निधन हो गया है। अगर हम इनकी बात करें तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने द्वारा की गई फिल्में कौन कौन सी हैं, तो फिल्में देख लें तो यादों की बारात, धर्मात्मा, दयावान, नूर जहां जैसी कई सारी फिल्में इन्होंने किया है। ये डायरेक्टर भी रहे हैं, बहुत सारे मूवी का डायरेक्शन भी किए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, जाने माने पत्रकार पाटिल पुटप्पा का निधन हो गया है। पुटप्पा साप्ताहिक प्रपंच के संस्थापक संपादक थे और उन्होंने नवयुग की भी संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वयोवृद्ध मलयालम कवि पुथेश्वरी रामचंद्रन का निधन हो गया है। और नाथ थुकट्टम उनकी पहली कविता थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बशीर अहमद खान को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट खबर है, बशीर अहमद खान को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का सलाहकार नियुक्त किया गया है। और एक लास्ट जो जरूरी खबर ये है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। ये टोल फ्री नंबर क्या है, 1075। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या जारी किया है, टोल फ्री नंबर किया है। तो चलिए हमने तो आज इंपॉर्टेंट ये सारे खबर पढ़ लिए, इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि उच्च परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज जो अति संभावित होते हैं आपके परीक्षा में आने के लिए। तो देरी ना करते हुए हम क्विज मोड में आते हैं, आपके लिए हम क्विज लगा देते हैं ताकि आप बहुत आसानी से क्विज दे सको। तो क्विज का पहला क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया, तो कौन है, रंजन गोगोई जी हैं। नेक्स्ट खबर पे आते हैं, बंग बंधु के नाम से जाना जाता है जियाउर रहमान को, शेख कमल को, शेख मुजीबुर रहमान को, इनमें से कोई नहीं, तो कौन है, शेख मुजीबुर रहमान हैं, है ना, अभी आप पढ़े हैं। नेक्स्ट खबर पे आते हैं, क्वेश्चन पे, उन्नत भारत अभियान अस्तित्व में लाया गया किसके द्वारा लाया गया, मैंने बताया यूबीए 2.0 यूबीए 2.1 के बारे में, तो कौन लाया, आईआईटी दिल्ली द्वारा ये लाया गया था, इसके प्रयासों के द्वारा लाया गया था। हाल ही में भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों के लिए व्यापक बीमा समाधान बेचने के लिए करार किया, किसके साथ किया है, एगॉन के साथ करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के जीवन पर लिखी किताब एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ ऑफ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर कौन है, सदगुरु पटेल और मायाभूषण दोनों हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने जमा निधि पर अपनी ब्याज दरों को निम्न में से कितने फीसदी कम की है, तो कहां तक ले आई है, 8.5 फीसदी ले आई है, कम की है 1.5 से, सॉरी 0.15 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इम्तियाज खान का निधन हो गया, निम्न में से कौन सी फिल्म इम्तियाज खान द्वारा अभिनय नहीं की गई है, तो पूरब और पश्चिम अभिनय नहीं की गई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, अभी अभी हमने कहा है बशीर अहमद खान को नियुक्त किया गया है, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, कितने परसेंट की कमी आई है, 12% की, 24% की, 10% की, 13%, तो कमी आई है 10% की। नेक्स्ट पे आते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा क्या है, अभी अभी खबर पढ़े थे, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय नारा है वो क्या है, जॉय बंगला है, जय बंगला, जिसे आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसी के साथ क्विज हमारी समाप्त होती है, हाँ क्विज हमारी समाप्त होती है। यह हमारे 18 मार्च का करंट अफेयर्स था, हमने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे देख लिए हैं, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आप ऐसे ही खबर पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिए और लाइक करिए, साथ ही साथ कमेंट करिए कि ये करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए कितना इनोवेटिव है, कितना इन्फॉर्मेटिव है, कितना आपको पसंद आ रही है और कितना आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो रही है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर मिलेंगे 19 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।